हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड फाइव सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर इलेवन एरिया एंड इट्स बाउंड्री ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर वन फिफ्टी सेवन राइट हेडिंग इन योर नोटबुक किंग स्टोरी क्वेश्चन वन करके लिखना है द किंग वाज वेरी हैप्पी विथ कारपेंटर्स चिगू एंड अनार वो अपने कारपेंटर ये दो है उससे बहुत खुश हुआ दे हैड मे मेड अ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल बेड फॉर हिम ओके सो एज़ गिफ्ट द किंग वॉन्टेड टू गिव सम लैंड टू चिगु एंड सम गोल्ड टू अनार उसने गिफ्ट में क्या uh, दिया लैंड सम लैंड ऑफ चिगु एंड सम गोल्ड टू अनार चिगु वॉज हैप्पी ही टू हंड्रेड मीटर्स ऑफ वायर एंड टायर्स टू मेक डिफरेंट रेक्टेंगल्स ही मेड अ टेन मीटर बाय फोर्टी मीटर रेक्टेंगल इट्स एरिया उसका एरिया कितना फोर्टी टेन ज फोर हंड्रेड इट्स एरिया वॉज फोर हंड्रेड स्क्वायर मीटर सो ही नेक्स्ट मेड अ उसने नेक्स्ट थर्टी मीटर एंड ट्वेंटी मीटर का रेक्टेंगल बनाया तो हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है तो कितना होगा थर्टी मल्टीप्लाई ट्वेंटी इज इक्वल टू थ्री टू जा सिक्स वो पीछे दो जीरो सिक्स हंड्रेड स्क्वायर मीटर वॉट इज इट्स एरिया इज इट्स द इट मोर धन द फर्स्ट रेक्टेंगल फर्स्ट रेक्टेंगल से क्या वो बड़ा है तो देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स थर्टी मीटर्स मल्टीप्लाई ट्वेंटी मीटर्स ओके इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड स्क्वेर मीटर्स विच क्या लिखोगे विच इज मोर धैन द फर्स्ट रेक्टेंगल क्योंकि फर्स्ट का फोर हंड्रेड था सेकेंड का सिक्स हंड्रेड मतलब फोर हंड्रेड से ज्यादा है ओके okay? उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है फ्लावर करके लिखना है वोट अदर रेक्टेंगल केन ही मैड विथ हंड्रेड मीटर ऑफ वायर वट अदर रेक्टेंगल कैन बी मैक विथ हंड्रेड मीटर ऑफ वायर हंड्रेड मीटर के वायर में से वो दूसरे रेक्टेंगल बना सकेगा सो यस यस ही कैन मेक अदर रेक्टेंगल्स इन दिस वे वो इस तरह से बना सकेगा रेक्टेंगल ऑफ फोर्टी फाइव मीटर्स मल्टीप्लाई फाइव मीटर्स फाइव मीटर्स सो इट्स एरिया कितना होगा फोर्टी फाइव मल्टीप्लाई फाइव टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मीटर दूसरे की लेंथ एंड ब्रेथ है थर्टी फाइव एंड फिफ्टीन रेक्टेंगल ऑफ थर्टी फाइव मीटर बाय फिफ्टीन मीटर इट्स एरिया थर्टी फाइव मल्टीप्लाई फिफ्टीन इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मीटर तीसरा रेक्टेंगल ऑफ ट्वेंटी फाइव मीटर मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव मीटर इट्स एरिया ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव स्क्वायर मीटर सो वो इस तरह थ्री टाइप्स के बना सकेगा ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से लिखना है फ्लावर करके लिखो या क्वेश्चन थ्री करके ले डिस्कस वीच ऑफ दिस रेक्टेंगल वी हैव द बिगेस्ट एरिया जो हमने थ्री फाइंड आउट की है उसमें से किसका एरिया बड़ा है देखो टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव मीटर का बड़ा है सो so हम लिखेंगे द रेक्टेंगल स्क्वेयर ऑफ ट्वेंटी फाइव मीटर बाय ट्वेंटी फाइव मीटर हैज़ द बिगेस्ट एरिया नेक्स्ट uh, यहाँ से चिगूज वाइफ आस्कड हिम टू मेक अ सर्कल विद द वायर सी न्यू इट हैड uh, एन एरिया ऑफ हंड्रेड स्क्वायर मीटर वाई डिड चीगू नोट चूज अ रेक्टेंगल एक्सप्लेन जो चिगू की वाइफ है वो उसे Uh, वायर से सर्कल बनाने को कहती है और उसका एरिया है एट हंड्रेड स्क्वेयर मीटर वाई डिड चिगू नोट चूज अ रेक्टेंगल क्यों चिगू ने रेक्टेंगल क्यों पसंद नहीं किया वो हमें एक्सप्लेन करना है तो देखो द बिगेस्ट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है ट्वेंटी फाइव मीटर मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव मीटर ये तो दे देखा इट्स एरिया इज सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव स्क्वेयर मीटर उसका एरिया है सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इफ़ वी मेक अ सर्कल अगर वो सर्कल बनाए इट्स एरिया इज़ हंड्रेड स्क्वायर मीटर इफ वी मेक अ सर्कल इट्स एरिया सर्कल का एरिया है एट हंड्रेड इट इज बिगर धैन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो जो एट हंड्रेड है सर्कल का वो रेक्टेंगल से बड़ा है सो चीगू डिट चूज रेक्टेंगल दीगू गोड द लैंड विच हैज एट हंड्रेड स्क्वेर मीटर एरिया ओके उसके बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे फ्लावर करके द किंग यहाँ द किंग टोल अनार दैट ही विल ही विल गिव यू की जगह पे हिम एज मच गोल्ड वायर वीच कैन मेक अ बाउंड्री फॉर लैंड विथ एरिया एट हंड्रेड स्क्वेयर मीटर सो अन आर ऑल्सो ट्राइड मेनी डिफरेंट वे टू मेक अ बाउंड्री फॉर एट हंड्रेड स्क्वेयर मीटर ऑफ लैंड ही मेड रेक्टेंगल ए बी एंड सी

मल्टीप्लाई ट्वेंटी मीटर तो उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है ओके और एरिया दिया है फोर्टी मल्टीप्लाय ट्वेंटी तो हम पैरामीटर फाइंड आउट करने लेंथ फाइंड आउट करनी है ना क्या है फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ इच तो देखो रेक्टेंगल ए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज़ फोर्टी मीटर मल्टीप्लाई ट्वेंटी मीटर लेंथ ऑफ इट्स वायर इज इक्वल टू पैरामीटर सो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है लेंथ ऑफ इट्स वायर इज पैरामीटर टू फोर्टी प्लस ट्वेंटी सो एटी सॉरी टू मल्टीप्लाई सिक्सटी वन ट्वेंटी मीटर सो ही विल गेट वन ट्वेंटी मीटर गोल्ड वायर फॉर रेक्टेंगल वन दूसरा है आइटी मीटर टेन मीटर लेंथ और ब्रेथ है सो लेंथ ऑफ वायर इट्स लेंथ ऑफ इट्स वायर पैराीटर इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ टू मल्टीप्लाई एटी प्लस टेन एटी प्लस टेन नाइन्टी नाइनटी मल्टीप्लाई टू वन हंड्रेड एटी मीटर सो ही विल गेट वन हंड्रेड एटी मीटर गोल्ड वायर फॉर रेक्टेंगल बी हमें क्या फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री ओके मतलब लेंथ ऑफ इट्स वायर के तीसरा है एट हंड्रेड मीटर मल्टीप्लाई वन मीटर तो इसमें है रेक्टेंगल सी लेंथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी इज़ एट हंड्रेड मीटर मल्टीप्लाई वन मीटर लेंथ ऑफ इट्स वायर पैरामीटर टू लेंथ प्लस ब्रेथ टू हंड्रेड प्लस वन एट हंड्रेड वन मल्टीप्लाई टू तो वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टू मीटर सो ही विल गेट वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टू मीटर गोल्ड वायर फॉर रेक्टेंगल सी तीनों डिफ हमने फाइंड आउट कर लिए ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ बर्ट धैन मेड एन इवेंट लोंगर रेक्टेंगल उसने और लंबा एक रेक्टेंगल बनाया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ एट एट थाउजेंड मीटर मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट वन मीटर सो ही विल गेट ब्लैंक्स मीटर ऑफ गोल्ड वायर तो का भी हमें फाइंड आउट करना है सो so, वैसे ही जैसे किया रेक्टेंगल डी तीन तो बना लिए ये फोर्थ है रेक्टेंगल डी एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी इज एट थाउजेंड मीटर मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट वन मीटर सो लेंथ ऑफ इट्स वायर कितनी होगी इज इक्वल टू पैरामीटर टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ एट थाउजेंड प्लस ज़ीरो पॉइंट वन मतलब कितना होगा एट थाउजेंड पॉइंट वन उसे टू से मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्स थाउजेंड पॉइंट आएगा पर हम पॉइंट में नहीं लेते हैं अप्रोक्स लेते हैं अप्रोक्स सिक्सटीन थाउजेंड मीटर ओके सो ही विल गेट सिक्सटीन थाउजेंड मीटर गोल्ड वायर फोर रेक्टेंगल डी डी के लिए इतना मिला अब नेक्स्ट है नाव डू यू अंडरस्टैंड वाई द किंग फेंटेड क्या है नाव डू यू अंडरस्टैंड वाई द किंग फेंटेड राजा क्यूँ बेहोश हो गया तो देखो क्यों हो गया द किंग फैटेड बिकॉज ही कुड नॉट अरेज सो मच ऑफ गोल्ड क्योंकि ये डी का तो कितना मीटर है वो इतना गोल्ड uh, अरेंज नहीं कर सकता सो द किंग फेटेड बिकॉज ही कुड नॉट अरेंज सो मे सो मच ऑफ गोल्ड ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू मेक अ रेक्टेंगल विथ अ विथिल लोंगर बाउंड्री अब उस uh, कितने का बनाना है एटी थाउजेंड मीटर और जीरो पॉइंट जीरो वन एंड मीटर मल्टीप्लाई ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन का बना सकते हो सो यस आई कैन मेक अ रेक्टेंगल ऑफ एट्टी थाउजेंड मीटर मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर सो लेंथ ऑफ इट्स वायर इज इक्वल टू पैरामीटर इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ लेंथ है एट्टी थाउजेंड प्लस ज़ीरो पॉइंट जीरो वन मीटर सो एटी थाउजेंड प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन करेंगे एट्टी थाउजेंड पॉइंट ज़ीरो वन आएगा उसे टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉइंट में आएगा तो हम अप्रॉक्स ले लेते हैं वन लैख सिक्सटी थाउजेंड मीटर सो आई नीड वन लैख सिक्सटी थाउजेंड मीटर गोल्ड वायर फॉर दिस रेक्टेंगल इस रेक्टेंगल के लिए कितना गोल्ड वायर uh, चाहिए होगा वन थाउजेंड सॉरी वन लैख सिक्सटी थाउजेंड मीटर गोल्ड वायर फॉर दिस रेक्टेंगल ओके बच्चों थैंक यू